अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कुरान पाक में कुहे तूर का जिक्र है, क्योंकि उस पहाड़ को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो देखेंगे कुरान में एक चींटी का जिक्र है, क्योंकि उस चींटी को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुरान में एक गधे का जिक्र है, क्यों कि उस गधे को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम से। यानी गधा भी निस्बत वाला हो जाए, गधा भी निस्बत वाला हो जाए तो कुरान उसे भी इज्जत अता फरमा देता है। आप कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कुरान में कुत्ते का जिक्र है, असाबे कहफ का कुत्ता। और क्या कमाल का कुत्ता है भैया, दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं मगर असाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं, इसलिए कि कुत्ते दो वजह से भौंकते हैं, जब डरते हैं तब भौंकते हैं, जब डराते हैं तब भौंकते हैं। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह का वली का कुत्ता न डरता है न डराता है। तो पता चला वो अमानत रसूल है, तो पता चला उर्स हजरत अमानत आला हजरत में कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ होगा। लकद अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। बेशक 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 माशाल्लाह। दिखाइए अलजामे तो रजविया में क्या बताया जाता है, मैं वही दो मिनट के लिए आया हूँ। देखे आप, आज लोग कुरान पे एतराज करते हैं, कुरान पे एतराज वही लोग करते हैं या तो वो जाहिल है अपनी जहालत की वजह से, या तो वो झूठे हैं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वरना पूरी दुनिया में देख ले आप, और जब दलील से बात नहीं कर पाते तो जलाने की बात करते हैं। वरना अमेरिका हो या चीन हो या जापान हो, फ्रांस हो या लंदन हो, उन तमाम जगहों पे लोग कुरान पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो कुरान को चूम भी रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जिस किताब को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं वो कुरान पाक है, जिसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसका सबसे ज्यादा अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, जिस पे सबसे ज्यादा अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, 2400 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कोई और किताब नहीं कुरान पाक है। इसलिए अल्जामत रज़विया आपसे कहता है मुसलमानों कुरान पढ़ो। और बहुत अच्छा सर, बेशक बेशक। अब देखें आप, ये है दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए टॉप 3 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का क्या बात है, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है इफ यू वांट टू, नारे तकबीर नारे रिसालत, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया में छाना चाहते हो, अदलो इंसाफ का परचम लहराना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारी दुनिया पर छा जाओ, सारी दुनिया पे छा जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अल्लाह दिखाइए, जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो इसे देख लें। एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है कि कुरान पाक के बारे में लिखा हुआ है कि 1975 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर कोई चीज आपको जांचना हो, टेस्ट करना, तो इसमें लोड कर दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 मिलियन
एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। तो कुरान पाक को इसमें लोड किया गया और इससे पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के अंदर आए, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान पाक की तरह कोई किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं? आंसर वॉज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कहा यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स, क्विक इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। खुदा की कसम, कुरान कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा है, कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है, कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है, कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है, कुरान कल भी लाजवाब था। मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार जामेतुर रजविया आपको बता रहा है, जामेतुर रजविया मदीनतुल इस्लाम, जामेतुर रजविया मदीनतुल इस्लाम आपको बता रहा है। आप उर्से आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद और अमानत रसूल कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। आप देखें, आप बस 3 मिनट और, एमएन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। क्या बात है, जर्मनी लहक के बोलो। जर्मनी में एक एथिस्ट जो एंटी इस्लामिक थी वो मुसलमान हो गया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। वाह, कुछ लोगों पे उसका नाम है, मैंने पट्टा लगा के रखा है क्योंकि हम लोग बरेली शरीफ वाले हैं, एंटी इस्लामिक पॉलिटिकल ऑथर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। बोलो बोलो जिंदाबाद। वाह वाह, जर्मनी में इस्लाम कबूल कर लिया, लोग उसके पास गए, व्हाट इज द रीजन, क्या बात है, पूरी दुनिया इस्लाम के मुखालफत में और तुम जो है इस्लाम, तुम कुरान से लोगों को जोड़ रहे हो, क्या बात है। उसने कहा सुनो, मेरे जहन में एक बात है, इट अक्कर टू माय माइंड, मैं सोचता था जीविश पीपल से, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, वाह, जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियर हिज आवर बुक टोरा, a christian people say that i am right and we are nearest our book injil muqaddas, muslim people say that i am right and we are nearest our book quran sharif, israeli kehte hain hum haq par hain, israeli kehte hain hum haq par hain, nasrani kehte hain hum haq par hain, isai kehte hain hum haq par hain aur apni kitab se qareeb hain, lekin ab al jamiatur rasviya madinatul islam mein aaye ho, qari sahab ke urs mein aaye ho, urs आला हजरत में आए हो, देख लो अपनी किताब से इजरायली करीब है, इसराइली करीब है, नसरानी करीब है कि मुहम्मदी करीब है। आप देखें, आप उसने कहा मैं कौन करीब है और कौन दूर है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि कौन खराब है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, कौन नाकिस है, कौन अच्छा है, कौन जयीद है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है। उसने कहा फिर क्या करा तुमने, उसने कहा इंजील ली और एक मैं जानता हूँ कि पहले से डुप्लीकेट है। उसने कहा एक डुप्लीकेट इंजिल बनाओ, करना क्या है, जो बातें मता में है कुछ थोड़ी बहुत मुर्कुस में कर दो और जो मुर्कुस में है थोड़ी बहुत यूहन्ना में करो और जो यूहन्ना में है थोड़ी बहुत जो है उसको मुर्कुस में कर दो, जो पतरस में है वो इसमें कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसको जो है रूमियों के नाम कर दो। इधर का उधर करने के बाद जब सोना निशान लगा के रखना वक्त आने पर सही कर सके। किताब तैयार हुई, वो किताब को लेके गया एक पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट।
ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा ये मैं लिखा हूँ, लो इसको पढ़ना, इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर, अभी जाके सोच रहा है बाप रे, वो अभी जाएगा चर्च, जाके इंजील खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मुरकुस में है उसको मता में, मता को मुरकुस में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लुका में, वो तो आएगा मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, और मैं आराम। उसके बाद मैंने बाइबल ली और कातिब के पास गया, कहा थोड़ा इसमें भी कुछ करो ना। कहा करना क्या है? कहा थोड़ी बहुत जो मुकाशिफा में है उसको अहबार में मारो, अहबार को मुकाशिफा में मारो, गिनती को खुरूज में मारो, खुरूज को पैदाइश में मारो, लिप्टिकस को जेनेसिस में मारो, जेनेसिस को नंबर में मारो। इधर उधर करने के बाद किताब मुकम्मल हुई, लेके गया रबाई के पास, यहूदियों के उलमा, इसराइली के उलमा, इसराइल के उलमा को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन तौरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वॉज वेरी हैप्पी। कहा ये पढ़िएगा बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। मैं अपने घर, वो अपने घर, इट इज माय एड्रेस। अभी जाके डर रहा है कि वो अभी जाएगा सिनेगॉग, तोरा खोलेगा, कहेगा अरे थोड़ी बहुत माता इसको कर दिया, खुरूज को पैदाइश में कर दिया, हक्कूक को मुकाशफा में, वो आके मेरी ठोकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि तोरा की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने पुराने पाक को लिया, लहक के बोलो सुभान अल्लाह, कातिब के पास गया जिसको कांटेक्ट दिया था, कहा इसमें भी कुछ करो। उसने कहा अबे चल है, मुझको रहना है कि नहीं। वो हैरान हो गया, सजदा, अरे तो राम इधर उधर कर दिया, बाइबल में कर दिया, इंजील में, लेकिन कुरान के बारे में कह रहा मुझे रहना है कि नहीं। बारे हर ज्यादा गौर नहीं किया। कहा तुमने पैसा लिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहा करना क्या है? कहा यू जस्ट राइट प्लेन आया, तुम सिर्फ सफेद आयतें लिख दो, मैं 10 साल लाइब्रेरी रह चुका हूँ, मुझको जो करना है कर लूंगा। कहा भैया, वो सफेद सफेद आयतें लिखकर एक कुरान का नुस्खा बनाया और उसको दिया। वो लिया और देखा एक कुरान खोल के जहाँ पे जबर था अलियाज बिल्ला, उसने वहाँ जेर कर दिया, और जहाँ पर पेश था उसमें जज, जहाँ पे शद वहाँ पे मद, और उसको ले किसके पास गया मालूम है? एक हाफिज कुरान के पास। हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान शरीफ, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वॉज वेरी हैप्पी। हाफिज बहुत खुश हुए। कहा पढ़ के बताइएगा, इट इज माई एड्रेस। आई अपने घर में जाके आराम से सो रहा, सोच रहा जब 68% वाले नहीं आए तो ये 2% वाले क्या आए जी, 2% वाले क्या आएंगे। आज यहाँ भी लोग सोचते हैं कि हम 80% हैं, वो 2% हैं। हर जगह हमारा झंडा है, लेकिन उस झंडे में बरेली का डंडा है। क्या बात, ना रहेगा डंडा कहाँ लगाओगे झंडा। यही तो सारी जिंदगी हमारे बाबाए अकरात वल मुजव्विदीन सुल्तानुल कुर्रा ने बताया है, हुजूर कानी अमान रसूल में, तुम्हारा झंडा है अगर पूरे हिंदुस्तान में तो झंडे में हमारे इस्लाम का डंडा। ना रहेगा डंडा, हम ही तो हैं, तब तो ये अजान ही से सब कुछ है। अजान बंद तो कयामत आ जाएगी, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो कहाँ कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें जीने दो, खाने दो, पीने दो, इसलिए जब तक हम हैं तभी तक तुम हो, जब हम नहीं होंगे तो तब तक। वाह वाह वाह, वही वाह वाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हाफिज जी पढ़ के बताइएगा, इट इज माय एड्रेस। हाफिज जी अपने घर इबड़ा सो रहा, 68% वाला नहीं आया, 2% वाला क्या आया। मगर वो कहता है इवन 3 days हैड नो, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह, मैं तकरीर कर रहा हूँ हुजूर अमानत रसूल की बारगाह में, लहक के बोलो क्या बात है सुभान। Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। हाफिज कुरान की अहमियत समझो, अलजामतु रजविया में आने वालों, when I come to out, जब मैं बाहर निकला, आई सा मैंने देखा, हाफिज जी वॉज इन सीरियस, हाफिज जी
हाफिज जी सीरियस मूड में है और कहने लगे अबे गधे कहां से लिखवाया ये? कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अरे यहां पर जेर है, खुदा की कसम यहां पे जबर है, यहां पेश है, यहां शद है, यहां मद है, यहां जिस्म है, यहां वक्फ लाजिम है, यहां वक्फ मुतलक है, यहां वक्फ मुरखस है, यहां पर मानका है, यहां पर वक्फ जिब्रील है, यहां पे वक्फ मुनज्जल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है कुरान में नहीं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, अपना नाम जौसफ नहीं अब्दुल। नारे नारे रिसालत अजमते कुरान मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, आज लोग कुरान मिटाने की बात करते हैं, आवाज है हम मिटा देंगे, दीन को मिटा देंगे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इको शरीफ दीजिए लहक के बोले लहक के। लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, निकल कर अरे भाई हो गया क्या? उर्से अमानते आला हजरत से एक पैगाम, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आने वाले साल में भी देखूंगा। क्या बात, इंशाल्लाह। निकल कर कुफर से इस्लाम के दामन में आएंगे। वाह वाह वाह, लोग इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। अरे कुरान ने तो चैलेंज किया कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत से जवाब लाओ। क्या जरूरत थी कुफारे ये कुरैश को रसूल से जंग करने की? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, मगर अरब का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब महाल है, महाल है। वाह वाह वाह, अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो बोलो, निकल कर कुफर से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुका। वाह, शेर सुने, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे अमानत रसूल, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे मुफ्ती आजम, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे आला हजरत, एक दिन ऐसा भी मुसल्ला वो भी छाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, वही मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, मुसल्ला वो भी छाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और हम पर इल्जाम लगाते हैं, शेर सुनो, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, हमारे तारुकुम छोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन।